दोस्तों, जब से ये इसराइल और फिलिस्तीनी के बीच ये खतरनाक जंग शुरू हुई है, तब से ही दुनिया भर में रहने वाले लोगों की तरफ से सबसे ज्यादा इस इंसान के बारे में सर्च किया जा रहा है। ये वही इंसान है कि जिसको वैसे जाना तो अबू उबैदा के नाम से जाता है, मगर इस इंसान का असली नाम क्या है ना तो ये किसी को पता है और ये इंसान असल में दिखता कैसा है ये भी किसी को नहीं पता है। यही वजह है कि जिस इंसान के बारे में दुनिया भर के लोग आज जानना चाहते हैं और जिस इंसान की खोज दुनिया भर के लोग आज कर रहे हैं, इसकी खोज तो अमेरिका और इसराइल पिछले 17 साल से कर रहे हैं, मगर इस लंबे पीरियड में उनकी हर कोशिश नाकाम साबित हुई है। अपने पूरे चेहरे को एक लाल रुमाल की मदद से कवर करके और ड्रेस के तौर पर एक वर्दी पहनकर ये इंसान कुछ पल के लिए अचानक से टीवी की स्क्रीन पर जाहिर होता है और बस उन कुछ पलों में ही पूरी दुनिया में न्यूज के जरिए से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। वह इसलिए क्योंकि शुरू से ही फिलिस्तीनी और इसराइल की इस जंग में अबू उबैदा फिलिस्तीन का चेहरा बन चुका है। गाजा के अंदर क्या चल रहा है, हमास के लड़ाके किस तरह से लड़ रहे हैं, किसको कितना नुकसान हो रहा है, ये सब कुछ अबू उबैदा की तरफ से ही बताया जाता है। चाहे हमास की तरफ से कोई ऐलान करना हो, इसराइल को कोई वार्निंग देना हो या फिर कोई डील वगैरह करना हो, हर काम ही अबू उबैदा की जबान के जरिए से होता है। तो उसमें वैसे तो अबू उबैदा फिलिस्तीन के इलाकों में पहले से ही काफी मशहूर था और बड़े शौक के साथ ही फिलिस्तीनी के लोगों की तरफ से अबू उबैदा को सुना ही जाता था, मगर बाकी दुनिया में और स्पेशल अरब बाकी देशों में अबू उबैदा की पॉपुलैरिटी पिछले 1 से 2 महीने के अंदर तक काफी ऊपर पहुँच गई है। फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाले लोग अरब देशों में इस इंसान को एक हीरो के तौर पर या फिर ये कहीं एक सिंबल के तौर पर प्रेजेंट सेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रही है कि जिसमें देखा जा सकता है कि बड़े लोग तो बड़े लोग बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी अबू उबैदा के बारे में बातें कर रहे हैं या फिर उसकी तरह गेट अप ले रहे हैं, मतलब उसकी तरह ड्रेस वगैरह पहनकर सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अरब देश तो अरब देश रहे हैं, बल्कि तुर्की में भी अब अबू उबैदा हद से ज्यादा मशहूर हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति तो पहले ही कह चुके हैं कि हमास कोई आतंकवादी ग्रुप नहीं बल्कि एक फ्रीडम फाइटर्स है। यही वजह है कि अभी कुछ दिन पहले ही इस्तांबुल के एक मेन और ऐतिहासिक किले की दीवार के ऊपर अबू उबैदा के एक बहुत बड़े पोस्टर को लगा दिया गया था। और तो और अभी कुछ दिन पहले ही, जैसा कि आपको भी याद होगा कि जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब कि अटली ब्लेकर ने टर्की का दौरा किया था, तो उनके दौरे से पहले ही टर्की के कुछ लोगों ने उस मेन रोड के ऊपर अबू उबैदा का एक बड़ा सा पिक्चर लगा दिया था कि इस रोड से एंटोनी लिंकन को गुजरना था। इसराइल ने जब से ही गाजा के अंदर ग्राउंड इन्वेशन शुरू किया है, तब से ही इंसान जब भी स्क्रीन के ऊपर नजर आता है तब हमेशा इसराइल और अमेरिका के लिए कोई न कोई खतरे की घंटी बजाकर चला जाता है। यही वजह है कि वो अबू उबैदा, जो पहले से ही इसराइल की वांटेड लिस्ट में शामिल था, अब उसको और भी ज्यादा तेजी के साथ ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये इंसान है कौन, इस इंसान का बैकग्राउंड क्या है और आखिर इसराइल लाख कोशिशों के बावजूद भी इस इंसान तक पहुँच क्यों नहीं पाता है। तो दोस्तों, इंटरनेट पर तो अबू उबैदा से रिलेटेड ज्यादा कुछ जानकारी मौजूद नहीं है। जो थोड़ी बहुत जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक सन 2006 में पहली बार अबू उबैदा दुनिया के सामने इस तरह से नजर आया था। हमास के दूसरे बहुत सारे लड़कों की तरह अबू उबैदा के बारे में भी यही माना जाता है कि अबू उबैदा की उम्र शायद लगभग 7 साल के करीब ही रही होगी कि जब इसराइली हमले में अबू उबैदा की पूरी फैमिली इस दुनिया से चल बसी थी। ये बंदा तालीम के लिहाज से भी काफी पढ़ा लिखा है और इसने एक अच्छी और रेपुटेड यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री ली है और शायद यही वजह है कि ये बंदा एक लंबे वक्त से हमास ग्रुप के इस बुक्स पर्सन जैसी एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाता आ रहा है। अब जहां तक मामला असली नाम का है तो ये तक कहा जाता है कि अबू उबैदा के आसपास में जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं वो भी अबू उबैदा का असली नाम नहीं जानते हैं। अबू उबैदा इस इंसान का असली नाम तो नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक टाइटल है कि जो पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा सके। और विकिपीडिया के मुताबिक भी इस बंदे ने ये जो अपना नाम अबू उबैदा चुना है, ये कहीं ना कहीं इतिहास के उन हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा से इंस्पायर है कि जो किसी दौर में न सिर्फ पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हुआ करते थे, बल्कि खिलाफत राशिदा के दौर में हजरत खालिद बिन वालिद के बाद मुस्लिम फौज के कमांडर भी हुआ करते थे, जिनकी लीडरशिप में मुस्लिम फौजों ने बड़ी बड़ी जीत हासिल की थी। ये इंसान की जिसको ऑलरेडी हमास आज की आवाज माना जाता है। इसके बारे में यह भी दावा किया जाता है कि गाजा के अंदर आज के दौर में जो खतरनाक सुरंगों का जाल मौजूद है, जो इस वक्त इसराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, इसको बनाने का आइडिया भी सबसे पहले शायद इसी इंसान के दिमाग में आया था। मतलब ऐसा करने का मशवरा हमास के बड़े लीडर्स को अबू उबैदा ने ही दिया था।
दोस्तों, अगर आप लोग कुछ वक्त पीछे जाओगे तो फेसबुक और ट्विटर, जो अब एक्स हो चुका है, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अबू उबैदाह का अपना अकाउंट भी हुआ करता था, मगर इसराइल ने इसको बैन करवा दिया, जिसके बाद अब हमास की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर टेलीग्राम वगैरह के जरिए से ही अबू उबैदाह के स्टेटमेंट और उसकी वीडियोस रिलीज की जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही अचानक से इसराइल की फौज की तरफ से अबू उबैदा को लेकर एक बड़ा दावा भी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वो लोग इस बात को खोजने में कामयाब हो गए हैं कि आखिर अबू उबैदा है कौन। मतलब इन लोगों ने अबू उबैदाह की असलियत जान ली है, और बकायदा इजरायली आर्मी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक फोटो भी अपलोड किया गया था, जिसके बारे में कहा गया था कि यही अबू उबैदा है। लेकिन दोस्तों, लोगों ने इजरायल के इस दावे को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। उसके पीछे वजह ये थी कि क्योंकि सन 2014 में एक बार और भी इजरायल अबू उबैदाह को लेकर इस तरह का दावा कर चुका है। उस वक्त भी बकायदा एक फोटो अपलोड किया गया था और कहा गया था कि हम लोग अबू उबैदा की असलियत जान चुके हैं और यही अबू उबैदा है। दोस्तों, सन 2008, सन 2012, सन 2014 और इवन अभी जो रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब कि 2023 वाली जंग, इन चारों ही मौकों पर इजरायली आर्मी की तरफ से अबू उबैदा के पूरे घर को ही उड़ा दिया गया, मगर चारों ही बार इजरायल अबू उबैदा को खत्म करने में नाकाम साबित हुआ। फिलहाल दोस्तों, ये थी अबू उबैदा से रिलेटेड वो कुछ इन्फॉर्मेशन की जो इंटरनेट पर मौजूद है, और जाहिर है अब ज्यादा कुछ मौजूद नहीं है, तो मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ बता भी नहीं सकता हूँ। आज के अपने वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेज और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।